हे गाइस, मैं हूं गौरव और आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक मूवी जिसका नाम है स्नो मॉन्स्टर। तो आइए आज का मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एक वैन को देखते हैं जिसमें एक रिसर्चर की टीम बैठ के एक बर्फीला क्षेत्र में जाते हैं। वो लोग वहाँ पे कुछ परीक्षण करने के लिए गए थे, लेकिन अचानक से उन्हें एक बर्फ का तूफान आने की खबर मिलता है। तो वो लोग उस बर्फ के तूफान का पीछा करते हुए एक अनजान जगह पे आके पहुँचते हैं। वो लोग उस अनजान जगह पे पहुँचते ही उन्हें पता चलता है कि वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, जिसके कारण उनका वैन काम करना बंद कर देता है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके वैन के सामने से एक बड़ा सा हाथ निकलता है, जिसके कारण वहाँ का बर्फ टूट जाता है और उनका वैन खाई में नीचे गिर जाता है। इस दुर्घटना में वहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक लड़की बच जाती है जिनका नाम शाओचिन है। इसी के साथ साथ उनके वैन में एक वीडियो कैमरा भी था जो कि इस दुर्घटना को फिल्माते रहता है। तभी शाओचिन देखती है कि उनके कार के सामने से एक बड़ा सा स्नो मॉन्स्टर निकलता है और मूवी भी यहीं से शुरू होती है। मूवी के दूसरे सीन में हम देखते हैं एक आदमी को जो कि कुछ एंटिक सामानों का दुकान चलाता है और जिनका नाम रेनिफे है। रेनिफे के स्टोर में बहुत सारे गुंडे आते हैं और वहाँ से कुछ सामान चोरी करने की कोशिश करते हैं, तो रेनिफे उन्हें बहुत मारते हैं और दुकान से भगा देते हैं। तभी रेनिफे के दुकान में दो आदमी आते हैं जिनमें से एक का नाम है शेन और दूसरे का नाम है वेन। वो दोनों वहाँ पर आके रेनिफे से कहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड 5 दिन पहले ही एक रिसर्च करने गई थी, लेकिन उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से साउचिन वहीं पर ही फंसी रह गई, तो उसे बचाने जाने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो रेनिफे शाओचिन को ढूंढने उनके साथ निकल पड़ते हैं। रास्ते में शेन और वेन उन्हें कुछ सैटेलाइट इमेजेस दिखाते हैं जहाँ पे शाओचिन को आखिरी बार देखा गया था। तो वो लोग सैटेलाइट इमेजों को फॉलो करते हुए उसी जगह पर जाके पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे कोई बर्फीला जगह नहीं है। तो रेनिफे शाओचिन का भेजा हुआ मैप को लेते हैं और एक अनजान जगह की खोज करते हैं। वो लोग पत्थरों में मौजूद 2 बटन्स को प्रेस करते हैं जिससे कि उनके नीचे से जमीन टूट जाता है और वो लोग जमीन के नीचे चले जाते हैं। जमीन के नीचे पहुंचते ही उन लोग का कंपास काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उस जगह का भी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है। तो वो सभी जमीन के नीचे से ही आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही उन्हें बहुत सारे स्केलेटन्स मिलते हैं जिनके सिर में बड़े बड़े होल्स है। वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं कि तभी उनके टीम से एक आदमी गायब हो जाता है। कुछ ही देर में वो आदमी बाहर निकल के आते हैं और आके बाहर ही मर जाते हैं। तभी सब लोग नोटिस करते हैं कि उनके सिर में भी एक बड़ा सा होल है। तभी उनके सामने से ढेर सारे पक्षियां बाहर निकल के आते हैं जिनके चोंच किसी यारी से कम नहीं। वो पक्षी अपने घोंसले से बाहर निकल के आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग उन पर ढेर सारे गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन गोलियों का कोई फायदा नहीं होता। तभी रेनिफे नोटिस करता है कि वो पक्षी आवाज से अट्रैक्ट होते हैं, तो रेनिफे एक लकड़ी को लेते हैं और दूसरी ओर फेंक देते हैं जिससे कि वो पक्षियां भी उस आवाज को सुनकर उस तरफ चले जाते हैं। फिर वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के उस गुफे से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही वो सभी देखते हैं कि वहाँ पर एक बर्फीला क्षेत्र है जहाँ पे शाओचिन गुम हुई थी। वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँचते ही वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा स्केलेटन मौजूद है जो कि किसी बड़े जानवर की है। वेन उस स्केलेटन को छूते हैं और छू के सभी से कहते हैं कि वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जानवरों की साइज को प्रभावित करते हैं, इसी कारण से वहाँ मौजूद सभी जानवर और उनके स्केलेटन बहुत बड़े है। वो सभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही रेनिफे को वहाँ से वो वीडियो कैमरा मिलता है जो कि शाओचिन के वैन में था। रेनिफे उस वीडियो कैमरा को ऑन करते हैं और ऑन करके वीडियो देखने पर उन्हें पता चलता है कि शाओचिन तब भी जिंदा थी। तो रेनिफे सभी से कहते हैं कि शाओचिन शायद अब भी जिंदा है, तो हम उन्हें ढूंढेंगे। वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और आगे बढ़ते ही उन पर एक बहुत बड़ा सा बर्फीला शार्क हमला कर देता है। वो शार्क वहाँ मौजूद एक आदमी को खा लेता है और बाकियों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक बड़ा सा स्नो मॉन्स्टर आता है और उस शार्क को पकड़ के खा लेता है। सभी उस स्नो मॉन्स्टर को देखकर बहुत डर जाते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं। वहाँ मौजूद एक आदमी उस पर रॉकेट लॉन्चर से भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली चूक जाता है और जाकर लगता है पीछे वाले बर्फीले पहाड़ पर, जिससे कि वहाँ पे एक बर्फीला तूफान आ जाता है। इस तूफान के बाद रेनिफे का आँख खुलता है एक कबीले पर जहाँ पे वो अपने साथ वेन और मिलिट्री के एक आदमी को भी पाते हैं। वो कबीले के लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के वहाँ मौजूद एक मिलिट्री के आदमी का पैर का नस काट देता है, जिससे कि उसके पैर से ढेर सारा खून बाहर निकल के आता है। रेनिफे ये सब देखते हुए अपना हाथ को एक चाकू के मदद से छुड़वा लेता है और जाके कबीले के सरदार के गले पे छुरा पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और आकर रेनिफे को मारती है और इनका नाम काया है। काया वहाँ पर रेनिफे को मार ही देने जाती है कि तभी वहाँ पे साउचिन आ जाती है और काया से कहती है कि इन्हें छोड़ दो, तो काया उन्हें नहीं मारती और उन्हें छोड़ देती है। तभी रेनिफे वहाँ पे बेहोश होके गिर जाता है। रेनिफे का आँख खुलता है एक कमरे पे जहाँ पे शाओचिन भी होती है। शाओचिन रेनिफे से कहती है कि वो लोग तुम्हारे
तुम्हारी मदद करना चाहते थे। बर्फीले तूफान की वजह से तुम लोग कमजोर हो गए थे, तो वो लोग तुम्हारे पैर से खून निकाल के तुम्हें फिर से तंदुरुस्त बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुमने कबीले के सरदार के गले में छुरा पकड़ लिया, जिससे कि वो लोग भड़क गए और तुम्हें मार देने जा रहे थे। रेनफे शाओचिन से पूछते हैं कि क्या बाकी लोग ठीक है, तो शाओचिन कहती है कि उन्हें ढूंढने कबीले की बाकी लोग गए हुए हैं। फिर हमें प्रोफेसर लिन और बाकी लोगों को दिखाया जाता है, जो कि उस बर्फीले क्षेत्र में ही फंसे हुए हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उनकी ओर वो स्नो मॉन्स्टर बढ़ रहा है, लेकिन वो स्नो मॉन्स्टर उनको कुछ नहीं करता और उनके ऊपर से निकल जाता है। तभी प्रोफेसर लिन अपने बैग से एक डीएनए कलेक्ट करने वाले यंत्र को निकालते हैं और वहाँ मौजूद मिलिट्री के आदमियों से कहते हैं कि मेरा यहाँ आने का मकसद शाओचिन को ढूंढना नहीं है, मेरा असली मकसद इस मॉन्स्टर का डीएनए कलेक्ट करना है। अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो तुम्हें मैं मालामाल कर दूंगा। ये सुनते हुए सारे मिलिट्री के लोग राजी हो जाते हैं। फिर से हम शाओचिन को देखते हैं, जो कहती है कि हम लोग यहाँ से निकलने के बाद इस कबीले के बारे में सभी से कहेंगे। तो रेनफे कहते हैं कि ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इनके बारे में सभी से कह दे तो ये सभी यहाँ पे जिंदा नहीं रहेंगे, सभी इनको मार देंगे और इस जगह को दखल कर लेंगे। फिर वो सभी जाते हैं उस कबीले की एक त्योहार पे, जहाँ पे उनकी मुलाकात काया की माँ से भी होती है। काया की माँ उस स्नो मॉन्स्टर से बात कर सकती है। तो हर साल उनका एक त्योहार मनाया जाता है, जहाँ पे उस स्नो मॉन्स्टर को बुलाया जाता है, क्योंकि वो स्नो मॉन्स्टर उनके लिए पवित्र है। काया की माँ रेनफे और शाओचिन को आगे बुलाती है और बुला के उनके सिर में तिलक लगाती है और कहती है कि आपका हमारे कबीले में स्वागत है। फिर काया की माँ एक भोपू को बजाती है और बजा के वहाँ पे स्नो मॉन्स्टर को आमंत्रित करती है। तभी वो जगह कांपने लगती है और वहाँ पे वो स्नो मॉन्स्टर आ जाता है। वो स्नो मॉन्स्टर वहाँ पे आते ही डर के मारे वेन जमीन पे गिर जाता है, जिससे कि कबीले के बाकी आदमियों के साथ साथ वो स्नो मॉन्स्टर भी हंसता है। फिर वो स्नो मॉन्स्टर रेनफे को अपने ही एक उंगली से धकेल लेता है और उस पर भी हंसने लगता है। फिर वो स्नो मॉन्स्टर अपना एक उंगली को रेनफे के सामने बढ़ा देता है, तो रेनफे भी उस उंगली को अपने हाथ से छूता है, जिससे कि उन दोनों में दोस्ती हो जाता है। इसी चीज से सभी को पता लगता है कि वो स्नो मॉन्स्टर किसी को बेवजह हार्म नहीं करता और वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है। लेकिन तभी उस स्नो मॉन्स्टर पर हवाई हमला होता है और साथ ही साथ कुछ मिसाइलें उन कबीले के आदमियों पर भी चलाया जाता है, जिससे कि सभी लोग जमीन पे गिर जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं वहाँ पे मिस्टर शेन और बाकी मिलिट्रीज के आदमी आते हैं। वो लोग वहाँ पे आते हैं और आकर बहुत सारे कबीले के आदमियों को मार देते हैं। वो स्नो मॉन्स्टर वहाँ मौजूद मिलिट्रीज के आदमियों को मारने की कोशिश करता है कि तभी मिस्टर शेन उस पर एक इलेक्ट्रिक ट्रैंक्विलाइजर गन चला देते हैं, जिससे कि वो स्नो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। फिर मिस्टर शेन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के काया की माँ के पास जाते हैं। वहाँ पर जाके मिस्टर शेन काया की माँ से कहता है कि मुझे उस स्नो मॉन्स्टर के पास लेकर चलो, लेकिन काया की माँ नहीं मानती, तो वो काया के पापा को वहीं पर ही गोली मार के मार देते हैं। काया और रेनफे बाकियों से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी मिलिट्रीज के आदमी पकड़ लेते हैं। फिर मिस्टर शेन और मिलिट्रीज के आदमी काया, काया की माँ और शाओचिन को अपने साथ लेकर जाते हैं उस मॉन्स्टर को ढूंढने। लेकिन वो सभी आगे बढ़ते हैं, उन पर वहाँ पे मौजूद बर्फीले शार्क हमला कर देते हैं। लेकिन तभी उन शार्कों पर मिस्टर शेन उस इलेक्ट्रिक ट्रैंक्विलाइजर गन को चला देते हैं, जिससे कि वो सभी शार्क बर्फ के नीचे ही मर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर मिस्टर शेन फिर से काया की माँ से कहता है कि उस स्नो मॉन्स्टर को यहाँ पे जल्दी से बुलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। तीन की गिनती पर भी काया की माँ उस स्नो मॉन्स्टर को नहीं बुलाती, जिससे कि मिस्टर शेन गुस्सा होकर काया पर गोली चला देते हैं। लेकिन तभी काया के सामने काया की माँ आ जाती है, जिससे कि काया की माँ का वहीं पे मौत हो जाती है। काया की माँ मरते ही वो स्नो मॉन्स्टर फिर से बाहर निकल के आता है और बहुत दुखी होता है। मिस्टर शेन उस पर फिर से इलेक्ट्रिकल ट्रैंक्विलाइजर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका गोली चूक जाता है। फिर वो मॉन्स्टर वहाँ मौजूद सभी आदमियों पर हमला करता है। उसी दौरान काया भी वहाँ मौजूद एक आदमी से भिड़ जाती है। वो स्नो मॉन्स्टर वहाँ मौजूद एक आदमी को खाने ही जाता है कि तभी वहाँ पे दो फाइटर जेट्स आ जाते हैं। वो जेट्स अपने चेम्बर से दो माइक को निकालते हैं और उसमें से बहुत ताकतवर मैग्नेटिक तरंगों को उस मॉन्स्टर पर चला देते हैं, जिससे कि वो मॉन्स्टर वहीं पे ही रुका रह जाता है। ये देखकर मिस्टर सेन उस मॉन्स्टर पर फिर से एक इलेक्ट्रिकल ट्रैंक्विलाइजर का गोली चला देते हैं, जिससे कि वो मॉन्स्टर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। तभी मिस्टर सेन अपने डीएनए कलेक्टर को निकालते हैं और उस मॉन्स्टर की ओर जाने ही जाते हैं कि तभी वहाँ पे शाओचिन आ जाती है। शाओचिन वहाँ पर आके मिस्टर सेन के सिर पे एक बंदूक तानती है। तभी मिस्टर सेन शाओचिन से कहता है कि मैंने तुम्हें छोटा से बड़ा होते देखा है और तुम मुझ पर ही गोली चलाओगी। यही कहते हुए मिस्टर सेन शाओचिन से वो गन को छीन लेता है और छीन के शाओचिन पर ही तान देता है। फिर मिस्टर सेन शाओचिन से कहता है कि तुम मेरा साथ दो, नहीं तो तुम आज ही मरने वाली हो। तभी शाओचिन का पैर फिसलता है और वो जाकर एक खाई में गिर नहीं जाती है कि तभी वहाँ पे रेनफे आ जाता है और उसको बचा लेता है। लेकिन रेनफे इस
ज्यादा देर तक शाओचिन को पकड़ के नहीं रख पाता और वो दोनों ही खाई में गिरने जाता है कि तभी ऊपर से वैन उन दोनों के पास एक रस्सी फेंकता है जिससे कि वो दोनों ही उस रस्सी की मदद से ऊपर आ जाता है और दोनों ही बच जाते हैं। ऊपर पहुँच के रेनफे एक रॉकेट लॉन्चर की मदद से एक फाइटर जेट को उड़ा देता है जिससे कि उस फाइटर जेट का एक मलबा आकर गिरता है मिस्टर शेन के पैर पे जिससे कि उसका पैर बुरी तरीके से कट जाता है। इसी दौरान उस स्नो मॉन्स्टर को फिर से होश आ जाता है। होश आते ही स्नो मॉन्स्टर वहाँ मौजूद और एक फाइटर जेट को अपने हाथ से ही उड़ा देता है। दूसरी तरफ काया और वैन मिलके वहाँ मौजूद एक मिलिट्री के लीडर को मार देते हैं। घायल होकर भी शेन नहीं रुकता और वो फिर से इलेक्ट्रिकल ट्रैंकुलाइजर से उस मॉन्स्टर पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो स्नो मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के मिस्टर शेन को अपने हाथ से मार देता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वो स्नो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ साथ रेनफे साउचिन और वेन वहाँ से चले आते हैं और मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।